बड़ा ड्रोन दिख रहा है, बड़ा ड्रोन दिख रहा है, इसके जरिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो गन है उसका एक एक लिमिट है कि वहां तक ही टीयर गैस छोड़ी जा सकेगी। ड्रोन एक बार फिर से आपको नजर आ रहा है और ड्रोन के जरिए भी हो सकता है कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सके। और क्योंकि ये कल हमने देखा था जब रिहर्सल एक तरह से करते हुए नजर आ रहे थे, उस समय टीयर गैस का इस्तेमाल ड्रोन के जरिए किया गया था। एक बार फिर से ड्रोन हमें नजर आ रहा है और ड्रोन के जरिए हो सकता है कि एक बार फिर से टीयर गैस छोड़ दी जाए, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए। पर फिलहाल ड्रोन आगे बढ़ता हुआ और ड्रोन काफी आगे तक जाने की आप कह सकते हैं कैपेसिटी रख सकता है और काफी दूर तक ड्रोन के जरिए इस समय पूरी स्थिति को देखने की कोशिश भी की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और फिलहाल ड्रोन के जरिए, क्योंकि कैमराज ड्रोन में हम जानते हैं कि उसमें फिट होते हैं, तो ड्रोन के जरिए भी मैं ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया जा, ये देखिए ड्रोन के जरिए फेंक दिया एक, ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे ड्रोन के जरिए आपको नजर आया किस तरह से टीयर गैस छोड़ा गया है ड्रोन के जरिए। और इस समय थोड़ा पीछे जाकर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीछे भी थोड़ी एक आप भगदड़ वाला माहौल कह सकते हैं कि थोड़ी पैनिक सिचुएशन वहां पर होती हुई नजर आ सकती है। और पीछे ड्रोन के जरिए भी जो छोड़े गए हैं आप कह सकते हैं कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे जो हम देख रहे थे कि गन के जरिए और उसके बाद ड्रोन के जरिए काफी दूर तक टीयर गैस को छोड़ा गया है ताकि जो पीछे भी भीड़ है उसको और पीछे किया जा सके। अब लोग पीछे जाते हैं या नहीं क्या होता है देखना होगा। एक बार ड्रोन फिर से बिल्कुल हमारे ऊपर है और ड्रोन के जरिए छोड़ा गया था जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो फिलहाल ड्रोन वापस जाता हुआ और ड्रोन की तरफ से दो या तीन टीयर गैस छोड़े गए थे और उसके बाद ड्रोन एक बार फिर से हरियाणा की सरहद की तरफ जहां पर पूरा प्रशासन है उस तरफ जाता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो इस समय शंभू बैरियर के ऊपर की स्थिति जो आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से किसान धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, जैसे ही टीयर गैस का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि असर कम होता है तो उसके बाद जो ये किसान है वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं।